हे माँ वाला मैं कैसे हैं आप सब। तो मैं अच्छी कहूँ कर नई वीडियो के साथ वापस, और ये वीडियो एक और कोलाबोरेशन वीडियो है कॉमिक सुपर भाई और मेरे बीच में, यानी कि मार्वल डू 2.0। और इस वीडियो में मैं आपको द फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग ऑफ डीसी के बारे में बताने वाला हूँ, उसकी पावर्स, ऑरिजिन और वीकनेस के बारे में। तो ये वीडियो पहले भी आने वाला था बट मेरी हेल्थ इशूज़ की वजह से ये वीडियो थोड़ा डिले हो गया, तो फिर भी कोई बात नहीं, अब वीडियो आ गया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। सो गाइस, जिस कैरेक्टर की आज हम बात करने वाले हैं, ये हमें डीसी कॉमिक्स में एज अ सुपर विलन या फिर एज अ एंटी हीरो दिखता ही रहता है, खास करके सुपरमैन कॉमिक्स बुक्स में। और इसका जो फर्स्ट अपेयरेंस था वो सितंबर 1944 में आई सुपरमैन की इशू 30 में हुआ था। अब बात करते हैं इस कैरेक्टर की ओरिजिन की, तो कॉमिक बुक्स में इस कैरेक्टर की ओरिजिन को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि बस ये बताया गया है कि ये फिफ्थ डायमेंशनल्स में ओरिजिनेट हुआ था और साथ ही साथ ही ज़ेरिफियन स्पेसीज से बिलोंग करता है। और ओरिजिन के बाद अब बात कर लेते हैं सुपर पावर्स और एबिलिटीज़ की। तो इसकी कुछ एबिलिटीज़ हैं जैसे कि रियलिटी मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, थर्ड डायमेंशनल लॉस इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करते, और थर्ड डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को ये अपने हिसाब से किसी भी तरह से चेंज कर सकता है, जो कि मैजिक की तरह देखने में लगता है। और इसके पास एक और स्पेशल पावर है जिससे ये मैजिकली किसी भी डीसी कॉमिक्स के पर्सन को जानवर में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि एनिमल में कन्वर्ट कर सकता है। अब इस कैरेक्टर के बारे में बात ही हो रही है तो इस कैरेक्टर से रिलेटेड एक और मैं फैक्ट आप सबको बता दूँ कि इस कैरेक्टर का नाम है MXYZPTLK। ये नाम इसका गलत है क्योंकि कॉमिक बुक राइटर्स के हिसाब से इसका जो असली नाम है वो है MXYZTPLK। पी और टी आपस में एक्सचेंज हो गए थे प्रिंटिंग के दौरान, लेकिन बाद में कभी इसी इशू को क्लियर नहीं किया गया, तब से इसका नाम यही रखा हुआ है। अब सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं इसकी वीकनेस की। तो इसका जो नेम है MXYZPTLK, जो कि प्रोनाउंस करने में बहुत ही मुश्किल है, अगर आप इसे उल्टा प्रोनाउंस कर दें, यानी कि करेक्ट उल्टा इसको प्रोनाउंस कर दें आप इसके सामने, तो ये वापस से 90 डेज के लिए फिफ्थ डायमेंशन में कैद हो जाता है। और ऐसा कॉमिक्स में एक बार हुआ भी है, सुपरमैन ने इसे हराने के लिए इसका नाम उल्टा प्रोनाउंस किया था और ये 90 डेज के लिए अपने डायमेंशन में वापस से कैद हो गया। तो ये वीडियो थी इस कैरेक्टर के बारे में, इसकी पावर्स, वीकनेस और ओरिजिन के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो। और साथ ही साथ मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो जाके देख लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और भाई का भी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। ज्वाइन मार्वल डूड, बी अ सुपर हीरो।